हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, आज कुछ आपको खास बताने वाला हूँ, तो वो है आपका गूगल ड्राइव। क्या होता है गूगल ड्राइव, उसके बारे में हम जानते हैं। तो चलते हैं गूगल ड्राइव पर। मैं आता हूँ तो मैंने ये ऑप्शन खोला और यह सामने आपको यहाँ पर ड्राइव दिख रहा होगा। देखो, ड्राइव क्या होता है और इसमें हम अपनी जो भी हमारे मेमोरी में है उसको हम सेव कर सकते हैं। कभी भी किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में इसको खोला जा सकता है, चाहे आपके वो मोबाइल नंबर हो या कुछ भी, वीडियोस हो, फोटो हो, डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी। जैसे मैं आपको खोला, जो कि आपकी खुद की बनी हुई है, ये देखिए। ठीक है, इस प्रकार मैं यहाँ पर जैसे मैंने फ़ोटो वगैरह डाल रखे थे, ये मैं डाल सकता हूँ। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि डालना कैसे। देखिए, यहाँ पर इसका टोटल जो स्टोरेज होता है वो होता है 15 GB। कितना होता है? 15 GB। यानी अगर आपने 4 ईमेल आईडी अगर बना ली तो 4 की आप MB मानिए, कितना होता है? 60 GB आपकी इंटरनल मेमोरी हो जाएगी। एक तरीके से इंटरनल मेमोरी बढ़ा रहे हैं, इंटरनल मेमोरी बढ़ा रहे हैं, यानी आप अपने वीडियोस इस पर क्या कर सकते हो? सेव कर सकते हो। ये किससे चलती है? नेट से चलती है। क्या है ये? गूगल ड्राइव। आप कभी भी किसी भी मोबाइल में इसको खोल सकते हो, चाहे आपका मोबाइल ख़राब हो जाए, अगर आपको ईमेल आईडी याद है तो कहीं पे भी गूगल ड्राइव खोल सकते हो। अब मैं आपको पूरा इसके बारे में बताता हूँ क्या है और क्या नहीं है। तो देखिए, अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेव करना है तो कैसे करना है? तो जैसे कि मैं गया यहाँ से, मैं चला आता हूँ इस गैलरी में। चलो, गैलरी में आ गया। यहाँ से गैलरी ओपन करते हैं। ये मैं जैसे गैलरी में ये मेरी फोटो है, तो मैं इसको गूगल ड्राइव पर सेव करूँगा। तो यहाँ देखिए, गूगल ड्राइव का ऑप्शन आ गया, सेव टू गूगल ड्राइव। तो यहाँ से देखो, सेव कर लेना है आराम से। चलो, सेव कर दिया। सेव करते ही सामने ऑप्शन आएगा, देखो खुल रहा है, ऑप्शन खुल रहा है, ये खुल गया। आपको कौन सा ये डॉक्यूमेंट है, ऊपर टाइटल है, आपको किस में सेव करना है, इसका पूरा ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। क्या आ रहा है? तो ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ जैसे मुझे किस में सेव करना है। तो सेलेक्ट फाइल माई ड्राइव, तो आप किस में सेव करना है? जैसे मैं मान लेता हूँ मुझे सेव करना है, मैं इसको विकास बीएड प्रोग्राम में सेव करता हूँ। ओके किया और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये फ़ोटो बार वहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये अब यहाँ से भेजने के बाद वो वहाँ पर डाउनलोड नहीं होगी। अब आपको वापस गूगल ड्राइव पर जाना पड़ेगा। ये आ गए हम गूगल ड्राइव पर। तो यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए, तो हमने इसी में ओपन की थी। तो देखिए, अब आपके सामने वो फाइल आ चुकी है यहाँ पर। अब यहाँ से आपको अपलोड करनी है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर वेटिंग फॉर वाईफाई, तो आपको वेटिंग वेटिंग नहीं करना है। अगर आपका अच्छा नेट आ रहा है इंटरनेट, तो वाईफाई की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस पर क्लिक कर दो और आपका फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे मैंने ये क्लिक शुरू कर दी, और वेटिंग फॉर अपलोड, और ये इस प्रकार आपका गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगा। फिर आप चाहे अपने गैलरी से हटाओ, कहीं से भी हटाओ, ये एक बार हट जाएगा। चलो, आपको मैं बता देता हूँ, हट जाना। तो इस प्रकार सेव हो रहा है। चलो दोस्तों, तो इस प्रकार अभी थोड़ा मेरे नेट कम आ रहा है। तो आपका यहाँ पर इस प्रकार आप अपलोड करोगे तो ये सेव हो जाएगी फ़ोटो। कुछ भी, जैसे मेरे ये सेव कर रखे हैं, आपके उदाहरण के तौर पर दिख रहा है, ये सारी फ़ोटो मैंने अपनी गैलरी से इसमें सेव की है, जिसे मैं कहीं पे भी खोल सकता हूँ। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना नवरत्न, धन्यवाद दोस्तों।